ओके सो हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग। एंड गाइस, इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा गाइस आप इस बैकग्राउंड के साथ अपना मॉडल कैसे ऐड कर सकते हो। तो गाइस, सब कुछ आप सभी को इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो गाइस, बस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यार अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और गाइस, आप लोग यार आजकल यार वीडियो पे कमेंट नहीं कर रहे हो यार, तो प्लीज़ यार एक कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि यार आपके कमेंट से पता चल जाता है कि हमने यार कितनी अच्छी वीडियो बनाई है। एंड अगर हमने कोई वीडियो में मिस्टेक तो नहीं करी है, तो आप लोग यार आप लोगों के जरिए हमें पता चल जाता है कि यार आप सभी के जो मतलब कि जो भी वीडियो में मिस्टेक्स होती है आप हमें बता देते हो, तो नेक्स्ट टाइम से हम उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ यार आप कमेंट जरूर कर दिया करो। एंड अगर अभी तक आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड और हाँ गाइस, मैंने आप सभी के लिए एक नया यूट्यूब चैनल बनाया जिस पे गाइस मैं इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब से रिलेटेड आप सभी को टिप्स एंड ट्रिक बताता हूँ। अगर आप में से कोई भी भाई अगर वो सब सीखने में इंटरेस्टेड है तो गाइस उस चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप जाकर चेकआउट जरूर करना। तो चलिए गाइस, आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप सभी को गाइस करना है कि आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है। एंड इसमें आप सभी को फिर ऐड फोटो में चले जाना है। एंड उसके बाद यहाँ से आप सभी को अपने मॉडल को ऐड कर लेना है। एंड गाइस, मॉडल का जो हाइट वगैरह होगी गाइस आपको जितना रख लेना आप सभी को, ठीक है। एंड उसके बाद आप सभी को मॉडल को जो यहाँ पे कुछ स्टेप्स यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है, वाटर के पास। एंड उसके बाद इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं करने हैं, क्योंकि अभी हमें इसमें मतलब कि इफेक्ट भी डालना है फायर का, तो हमें इसके लिए क्या करना है, तो उसको हम यहाँ से थोड़ा सा इसका डुप्लीकेट करेंगे। साइज़ को कुछ हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम इसका डुप्लीकेट कर लेंगे। एंड इसको हम सेम साइज़ में वैसे ही रख देंगे। एंड उसके बाद हम इसको लेके चलेंगे इफेक्ट वाले टूल में। इफेक्ट वाले टूल में ले जाने के बाद आप सबको यहाँ पे ले जाना है इसको कलर्स वाले ऑप्शन में। फिर उसके बाद आपको ब्लैक एंड व्हाइट वाले में ले जाना है, इसका अमाउंट जीरो करके एंड ऊपर से मर्ज कर देना है। ध्यान ले लेना आपको नेगेटिव वाला ऑप्शन, फिर उसको दोबारा मर्ज कर देना, फिर जाना कलराइज में। एंड उसके बाद आप सबको यहाँ पे गाइस ढूंढना है ऑरेंज कलर, ठीक है, जो कि ये रहा यहाँ पे हमें मिल चुका है। तो आप क्या करेंगे, हम इसको ऊपर से वापस मर्ज करेंगे एंड इसको डन करेंगे एंड इसको वापस ले चलेंगे। एंड जाएंगे यहाँ से हम गाइस इरेजर टूल में, इसको इन्वर्ट कर देंगे, ब्रश को लेंगे। एंड इसके बाद हम फोटो को जूम करेंगे, ठीक है। एंड इसकी जो साइज़ है इसको बढ़ा देंगे, ओपेसिटी हार्डनेस कम कर लेंगे। एंड इसके बाद गाइस जहाँ जहाँ पे फायर आ रहा है आप सभी को दिख ही रहा होगा, वहाँ पे आप सभी कुछ स्टेप्स ऐसे पेंट कर देना है, ठीक है। तो इतना कर देने के बाद आपको यहाँ पर डन कर देना है। एंड इसको यहाँ से आप सभी को उसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है, ठीक है। आप यहाँ पे गाइस दो ब्लेंडिंग मोड रख सकते हो, ये एक मल्टीप्लाई या फिर ओवरले, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ओवरले रख लेता हूँ। एंड इसके बाद यहाँ पे परफेक्ट है। अब गाइस इसको हम यहाँ पे कर देंगे डन, ठीक है। इतना कर देने के बाद आप सबको फिर क्या करना है, आप सबको जाना है यहाँ से, सॉरी गाइस यहाँ पे नहीं जाना था आप सभी को यहाँ से, तो आप सभी को जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सबको बिंग्स का पीएनजी ले लेना है, ठीक है। एंड इसको आप सभी को क्या करना है, आपको सो फुल स्क्रीन करना है इस टाइप से। एंड इसके बाद आप सबको फिर क्या करना है, आपको जैसे कुछ अपनी बॉडी के पीछे ऐसे रख देना है। एंड इसके बाद यहाँ पे आप सभी को उसकी ओपेसिटी कम कर लेना, बिकॉज गाइस ओपेसिटी कम करोगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ से क्या इरेज करना है। ओपेसिटी कम कर लेना है, इसके बाद फोटो को आपको जूम करना है। एंड उसके बाद गाइस आप सबको कुछ इस टाइप से अच्छे तरीके से एकदम प्यार प्यार से इरेज करना है, ठीक है, ताकि कोई आगे का एरिया इरेज ना हो जाए, ठीक है। तो इसको इरेज कर लेते हैं हम। फिर उसके बाद आप सबको क्या करना है, इसको इरेज करने के बाद इसको हम पहले अच्छे से इरेज कर लेते हैं। एंड गाइस उसके बाद ना हमें यहाँ पे थोड़ा सा डार्क शेडो भी डालनी है, तो वो भी कैसे डालनी है वो भी मैं आप सबको बता देता हूँ। तो अभी हम इसको पहले पेंट कर लेते हैं अच्छे से। ओके सो गाइस यहाँ पे परफेक्ट है। अब हम इसकी ओपेसिटी फुल कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, आप सभी को यहाँ पे सिंपली डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके डन कर देना है। एंड इसके बाद आप सबको फिर क्या करना है, आप सभी को यहाँ से चले जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से आप सभी को एक ब्लैक कलर का पीएनजी लेना है, ठीक है, ये वाला। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, इसको आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन कर देना है इस टाइप से। एंड उसके बाद रिजल्ट टूल में जाकर इन्वर्ट कर देना है, साइज को बढ़ा देना है एंड हार्डनेस ओपेसिटी को कम कर देना है। एंड उसके बाद आपको फोटो को जूम करना है। एंड गाइस उसके बाद आपसे कुछ ऐसे पेंट करना है, ठीक है, जिससे कि मतलब ये डार्क डार्क हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको आपको कुछ स्टेप से ऐसे करना है, ठीक है। एंड यहाँ से हम थोड़ा डार्क करते हैं इसको। एंड उसके बाद आपसे को फिर क्या करना है, थोड़ा सा साइज़ बड़ा करते हैं यहाँ पे एंड हम बैक साइड में कर देते हैं थोड़ा। ओके गाइस यहाँ पे परफेक्ट है। अब क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे डन करेंगे। एंड उसके बाद जिसकी ओपेसिटी होगी हम यहाँ पे इसको कम कर देंगे, ठीक है। तो ओपेसिटी यहाँ पे हम मैनेज कर लेंगे, अराउंड कुछ 80 तक रख लेते हैं एंड यहाँ पे परफेक्ट है, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पे डन कर देते हैं इसको। अब उसके बाद गाइस आपसे को फिर क्या करना, आप सबको इस फोटो को यहाँ पे सेव कर लेना है, बिकॉज दैट गाइस क्योंकि अभी हम यहाँ पे इसके कलर करेक्शन करना है, जो कि हम करते हैं लाइटरूम ऐप में। तो इसको लेके चलते हैं लाइटरूम ऐप में। लाइटरूम ऐप में ले जाने के बाद गाइस आपसे को चले जाना है इस लाइट वाले ऑप्शन में। इसका जो कॉन्ट्रास्ट होगा आपको उसको बढ़ा देना है, हाईलाइट जो होगा उसको बढ़ा देना है, शेडो जो होगा जिसको बढ़ा देना है एंड जो व्हाइट होगा उसको भी थोड़ा बढ़ा देना है, जो ब्लैक होगा उसको भी थोड़ा बढ़ा देना है। फिर चले जाना कलर्स वाले ऑप्शन में, फोटो की जो वाइब्रेशन होगी आपको उसको बढ़ा देना है, टेम्परेचर होगा जिसको कम कर देना है। फिर चले जाना कलर मिक्स में, ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करके सैचुरेशन को माइनस कर देना है एंड जो ल्यूमिनस होगा उसको बढ़ा देना है। एंड जो जाना येलो कलर में, इसका ह्यू चेंज कर सकते हो आप। फिर उसके बाद आप सबको क्या करना है, आप सबको चले जाना है ग्रीन कलर में, इसका सैचुरेशन आप थोड़ा माइनस कर सकते हो। एंड गाइस ब्लू कलर में आप चाहो तो स्काई ब्लू एंड डार्क ब्लू भी रख सकते हो, तो हम डार्क ब्लू रखेंगे तो ह्यू प्लस कर देंगे। एंड जाएंगे पर्पल कलर में, इसका सैचुरेशन माइनस कर देंगे एंड कर देंगे डन। एंड उसके बाद जाएंगे कलर के नीचे वाले टूल में, फोटो की जो क्लियरिटी है आपको उसको बढ़ा देना है एंड जो गाइस फोटो में विग्नेट होगा वो डाल देना है। एंड नीचे स्क्रॉल करोगे आपको मिलेगा ग्रेन अमाउंट,
आपको इसको बढ़ा देना है। एंड चले जाना गाइस आपको नीचे वाले टूल में फोटो की जो शार्पनेस होगी आपको उसको इंक्रीज कर देना है। एंड जो गाइस नोइज रिडक्शन होगा आपको उसको बढ़ा देना है। एंड नीचे आपको मिल जाएगा कलर नोइज रिडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली जो भी हमारी फोटो का रिजल्ट है वो आप सभी के सामने था। तो गाइस आशा करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि यार आप सभी को जो जो अपडेट हो आप सभी को टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। एंड अगर गाइस आप लोग भी अगर ऐसी फोटो एडिट करते हो तो गाइस मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करना मत भूलना। एंड गाइस मैंने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो गाइस क्या होता है कि आप लोग जब मेरे को इंस्टाग्राम पर टैग करते हो तो मैं आप सभी को स्टोरी मेंशन भी करता हूं जिसकी पोस्ट मुझे पसंद आती है। तो प्लीज़ भाई मेरे को इंस्टाग्राम पर टैग जरूर करना। एंड बाकी चलिए गाइस मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।